नमस्कार। राम राम, जय श्री कृष्णा, सलाम अलैकुम, जय सनिंद्रा, सत श्री अकाल, राधे राधे। एक कुड़ी पसादे, एक नहीं दो चार दिला दे। सबकी दिल की भावना को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है, आज राजस्थान का वो जिला पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सलूंबर। क्या है सलूंबर? ये सिर्फ इंफॉर्मेटिक नॉलेज है। सलूंबर, सलूंबर जो अलग हुआ है वो अलग हुआ है उदयपुर से। किससे अलग हुआ? उदयपुर से। उदयपुर से ये जो बता है इसमें 500 तहसीलें हैं और 4 उपखंड है। तहसील और 4 उपखंड है। ये किस किस से मिलके बना है? ये बना है सराड़ा, एक नाम सुना होगा, मेवाड़ प्रजामंडल में एक किला हुआ करता था सराड़ा का किला। याद करो, याद करो, प्रजामंडल में एक व्यक्ति था रमेश चंद्र व्यास, उनको सराड़ा के किले में रखा गया था। ये सराड़ा। दूसरा क्या है? दूसरा है लसाड़िया। ये लसाड़िया। और तीसरा क्या है? सलूंबर। और चौथा क्या है? सहमाली। चौथा क्या है? सहमाली। सबसे पहले बात करेंगे लसाड़िया। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लसाड़िया का पठार, कटापटा पठार। उदयपुर से आगे जो पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। याद करो, आपको मैं यही याद रखना है, लसाड़िया का पठार कहाँ पड़ेगा? सलूंबर में। बार बार रिपीट करो, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। अगली बार सलूंबर। सलूंबर में सबसे जरूरी चीज, अगर राजस्थान का एग्जाम देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ गलती होगी। सबसे जरूरी चीज, जय संबंध झील। जय संबंध झील कहाँ पर है? बचपन से पढ़ते आए, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। जय संबंध झील उदयपुर में है। जय संबंध झील उदयपुर में है। आज उसे छोड़ दो। जय संबंध झील कहाँ पर है? कहाँ पर है? सलूंबर एक ठिकाना हुआ करता
करता था, ठिकाना कहाँ का हुआ करता था, मेवाड़ प्रजामंडल का एक सलूंबा ठिकाना था। सलूंबा ठिकाना में एक जगह थी जिसे कहते चूड़ावत, चूड़ावत का यहाँ पर प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? एक व्यक्ति तो जिसका नाम था रतन सिंह, रतन सिंह चूड़ावत, नाम सुना होगा। इसका विवाह हुआ था हाड़ी रानी, और हाड़ी रानी का नाम आप में से कोई भी मुझे बता सकता है, क्योंकि अपन हाड़ौती के हैं। हाड़ौती की रानी और राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर। ये जो सहल कंवर थी, इसका विवाह हुआ। विवाह कहाँ हुआ? सलूंबा ठिकाने में हुआ। सलूंबा ठिकाने में किससे हुआ? रतन सिंह से हुआ। रतन सिंह किसका जागीरदार था? राज सिंह का जागीरदार था। क्या आया? ऊपर से आदेश आया कि मुगलिया मोल आ रही है, औरंगजेब आ रहा है आक्रमण करने, फटाफट से ठिकानेदार तैयार हो जाओ। ठिकानेदार लड़ने के लिए तैयार हुआ, युद्ध में जाने लगा। नई नई शादी हुई थी, शादी हुई तो उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अपनी नव विवाहित पत्नी को छोड़कर बाहर जाए, तो उसका मन नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था। मैं बच्चों से जाकर फिर दूर हो जाती हूँ, उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं। तो उसने अपने से जो सैनिक था, उस सैनिक को भिजवाया और कहा, जा रानी से लेके आ। क्या लेके आ? सेनानी। क्या लेके आ? सेनानी। सेनानी का मतलब होता है निशानी लेके आ, ताकि मुझे रानी की याद कम आए। वो रानी, रानी जो सैनिक था, वो रानी के पास गया। उसने कहा, रुको, दासी को समझाया। उसने अपनी शीश काट कर थाली में रख